हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ दीप्ति। सर्दियों के मौसम में दीप्ति मिश्रा किचन में सूप ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेजिटेबल सूप की बहुत ही आसान रेसिपी, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी ढेर सारी वेजिटेबल को कट करने का एक बहुत ही आसान तरीका। तो चलिए वेजिटेबल सूप की रेसिपी को शुरू करते हैं। वेजिटेबल सूप बनाने जा रहे हैं तो हमें काफ़ी सारी सब्जियां तो चाहिए ही होंगी। तो मैंने यहाँ पे ली है पत्ता गोभी, फूल गोभी, लाल शिमला मिर्च, हरा प्याज, एक गाजर, बीन्स, एक प्याज, हरी मटर, स्वीट कॉर्न, एक इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियां। अब हम सारी सब्जियों को बारीक कट करके तैयार कर लेंगे। वेजिटेबल सूप के लिए इतनी सारी सब्जियां चाहिए होंगी। अब मैं वेजिटेबल सूप बनाने के लिए इतनी सारी सब्जियों को जल्दी जल्दी कर कैसे कर पाऊंगी, इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और सब्जियों को भी बारीक कट करना है। सुनती हो, आधा घंटा हो गया है, वेजिटेबल सूप कब तैयार होगा? इनको तो वेजिटेबल सूप पीना है। मैंने तो यहाँ पे अभी सब्जियों को काटना शुरू भी नहीं किया है, क्योंकि जब तक सब्जियाँ कटेंगी नहीं तब तक मैं सूप कैसे बनाऊंगी। आइडिया, एक काम करती हूँ, बड़े से नाइफ से सारी वेजिटेबल को जल्दी जल्दी और बड़ा बड़ा कट कर लेती हूँ। इससे मेरा वेजिटेबल सूप भी जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। माय गॉड, मेरी सारी सब्जियां तो गलत ही कट गई और मैंने इनको कुछ ज़्यादा ही बड़ा काट लिया है। अब मैं इसे वेजिटेबल सूप कैसे बनाऊंगी? मेरी तो सारी सब्जियां ही खराब हो गई हैं, अब मैं इनका क्या करूं? तो अगर आप भी इनकी तरह हो रहे परेशान कि वेजिटेबल सूप बनाने के लिए हम ढेर सारी सब्जियों को जल्दी से और बारीक बारीक कट कैसे करें, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये वेजिटेबल चॉपर, जो कि एकदम बेस्ट क्वालिटी का वेजिटेबल चॉपर है। और इसमें आप ढेर सारी सब्जियों को बस 5 मिनट में काट के तैयार कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी मेहनत के। और ये बहुत ही अच्छा है, इसमें काफ़ी सारे ब्लेड्स निकलते हैं, पर आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ चॉपिंग ब्लेड्स ही दिखा रही हूँ। चॉपिंग ब्लेड्स के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके के 4 ब्लेड्स दे रखे होते हैं, अलग अलग साइज़ के। और ये जो एक ब्लेड है, इसमें सबसे छोटे साइज़ की आप वेजिटेबल को आसानी से कट कर सकते हैं। तो जो भी वेजिटेबल ब्लेड्स होते हैं उन्हें हम वेजिटेबल चॉपर में कुछ इस तरीके से फिट कर लेते हैं, और इन्हें फिट करना बहुत ही आसान होता है। और जो भी आपको वेजिटेबल कट करनी है उसे हम यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद हम ऊपर से उसे प्रेस कर देंगे और बहुत ही ईजीली हमारी वेजिटेबल कट हो जाएगी, और उसके बाद नीचे स्टोर हो जाएगी। और वेजिटेबल चॉपर में नीचे की तरफ रबड़ दे रखी होती है, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे उसके बाद चिपक जाता है वेजिटेबल चॉपर, और हमें फिर वेजिटेबल काटने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, और बहुत ही ईजिली हम ढेर सारी सब्जियां बस 5 मिनट में काट के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको वेजिटेबल कट करके भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम प्याज कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़े से बड़े साइज़ के ब्लेड्स का यूज़ कर रही हूँ, और हम प्याज को इस तरीके से स्लाइसेस में रख लेंगे, और उसके बाद हमें ऊपर से प्रेस करना होगा। बस हमारा प्याज कट के तैयार हो गया है। तो जो भी प्याज है वो उसे मैं काट के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए प्याज कितना बारीक कट हो गया है। और उसके बाद अब हम फूल गोभी कट कर लेते हैं। फूल गोभी के पीसेस को भी मैंने वैसे ही रख लिया है, और ये देखिए फूल गोभी भी कट के तैयार हो गई है। अब हम हरा प्याज काट के तैयार कर लेते हैं, उसे भी हम ऊपर से प्रेस कर देंगे। हमारा हरा प्याज भी तैयार हो गया है, शिमला मिर्च कट के तैयार हो गई है, और इन सभी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो देखिए पत्ता गोभी को भी मैंने बारीक कट करके तैयार कर लिया है, और अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। पत्ता गोभी के साथ मैंने गाजर को भी काट लिया है, और उसके साथ हरी बीन्स भी कट के तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमारी सारी वेजिटेबल एकदम बारीक कट होके तैयार हो गई है, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। और अदरक और लहसुन को मैंने कूट के तैयार कर लिया है, इसे मैंने बारीक कट नहीं किया है। तो सारी वेजिटेबल बस 5 मिनट में कट के तैयार हो गई है। तो अगर आपको ये वेजिटेबल चॉपर पसंद आया है तो जाके आप भी इसे परचेज करिए, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारी सारी सब्जियां तैयार हो गई हैं, तो अब हम अपने वेजिटेबल सूप को बना लेते हैं। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए मैं यहाँ पे हैवी बॉटम वाले भगोने का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई सूप बनाते हैं अगर हम उसे गहरे
दूसरे तली वाले बर्तन में बनाते हैं तो हमें आसानी रहती है। तो मैंने भगोने में लगभग 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है डाल देंगे इसमें कटा हुआ प्याज। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम अपने प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक भून लेंगे। तो प्याज और लहसुन में हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है, ये देखिए। अब मैं इसमें कटा हुआ हरा प्याज डाल देती हूँ, ये भी हम हल्का सा भून लेंगे। तो ये देखिए सारी चीजें अब हल्के से गोल्डन कलर की हो गई हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और अब मैं इसमें डाल देती हूँ कटी हुई फूल गोभी, गोभी, गाजर और बीन्स। अभी हम सिर्फ यही सब्जियाँ इसमें डालेंगे क्योंकि इन सब्जियों को पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और बाकी सब्जियाँ हम बाद में डालेंगे। और उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम अपनी सब्जियों को लगभग 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके पका लेते हैं। लगभग 1 मिनट हो गया है और अब हम अपनी सब्जियों को चेक कर लेते हैं। तो हमारी जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम इसमें बाकी सब्जियां भी ऐड कर देते हैं। मैं इसमें डाल देती हूँ शिमला मिर्च, हरी मटर, स्वीट कॉर्न और अब हम इसमें लगभग 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे। वेजिटेबल सूप में मैंने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है और जब तक एक बॉइल नहीं आ जाता है तब तक हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखिए वेजिटेबल सूप में बॉइल आना शुरू हो गया है और अब मैं गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देती हूँ और मीडियम टू लो गैस पे हम इसे लगभग 15 मिनट के लिए बॉइल होने देंगे और इसे कवर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसा ही खुला ही पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं हमारे वेजिटेबल सूप को पकते हुए और जो सब्जियाँ मैंने इसमें डाली थी अब ये सारी सब्जियाँ सॉफ्ट भी हो गई हैं और जो हमने इसमें 1 लीटर पानी ऐड किया था उसमें से लगभग 250 ml पानी भी जल गया है और सूप भी अब देखिए हल्का सा गाढ़ा लगने लगा है। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम एक खाली बाउल ले लेंगे, इसमें डाल देते हैं 2 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका पतला घोल बना के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए कॉर्नफ्लोर का मैंने पतला घोल बना के तैयार कर लिया है। जो मैंने कॉर्नफ्लोर का घोल बना के तैयार किया है उसे मैं अपने वेजिटेबल सूप में ऐड कर देती हूँ, पर हम जो कॉर्नफ्लोर का घोल है वो एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको ऐड भी करते जाएंगे और लगातार चलाते जाएंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर ऐड करने से हमारा जो वेजिटेबल सूप है वो हल्का सा गाढ़ा होने लगेगा। तो आप इसे लगातार चलाते रहिएगा। कॉर्नफ्लोर का घोल वेजिटेबल सूप में डालने के बाद हम अपने वेजिटेबल सूप को लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। वेजिटेबल सूप को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और हमने जो इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल डाला था उससे हमारे वेजिटेबल सूप में हल्का सा गाढ़ा बना गया है और अब हमारा जो वेजिटेबल सूप बन गया एकदम तैयार है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और अब हम इसको और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो ये देखिए वेजिटेबल सूप बन के एकदम तैयार है, मैं इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेती हूँ। तो गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप बन के एकदम तैयार है। सर्दियों के मौसम में आप भी वेजिटेबल सूप बनाइए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।